आजमाइश कम तुम्हारी थी या इम्तिहान मेरा, सजा कम तुम्हारी थी या गुनाह ज्यादा मेरा, फरेब तुम्हारा था या वफा मेरी, गलत वक्त था तुम थे या नसीब मेरा। इंसाफ अब खुदा की अदालत में ही होगा तेरा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है जब हमें सजा मिल रही होती, हमें लगता है ना जाने हमने कौन सा गुनाह कर दिया। हम ये क्यों सोचते हैं कि गुनाह जो किया है वो हमने दूसरों के लिए किया है, खुद पे नहीं किया। खुद से गुनाह करना भी बहुत बड़ा गुनाह ही होता है। आमतौर पे लोग सोचते हैं दूसरों से की गई गलती वो गुनाह है, खुद से की गई ज्यादती उसमें कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आज की रीडिंग में देखेंगे आपने खुद के साथ ऐसी क्या ज्यादती की है लाइफ में जिसकी सजा आपको इस वक्त मिल रही है और उसका निवारण क्या है। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। गलत को गलत ना कहना, खुद के साथ ज्यादती हो तो चुप रहना, द मून नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही कार्ड्स आए हैं, आपकी स्टोरी बता रहे हैं, डेविल कार्ड, जजमेंट कार्ड और क्या चाहिए, डेथ कार्ड। इंसान बहुत बड़ी गलतफहमी में जीता है ये सोचकर कि ज्यादती दूसरों के साथ करो तो वो गलती है, वो गुनाह है, खुद के साथ करो तो ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम खुद के साथ कर रहे हैं। हमारा खुद से तो कोई जैसे खुद के लिए जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं और ये बहुत ही गलत सोच है। फैमिली लाइफ में आपको बहुत ज्यादा आपके साथ ज्यादती हुई है, टेन ऑफ कप्स। आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब है फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से रिजोनेट नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ आपको रिजोनेट होगा क्योंकि आप जब टॉपिक देख के रीडिंग देखते हैं इसका मतलब उस टॉपिक ने आपको आकर्षित किया है, इसका मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ घट रहा है। तो आपकी फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है। हो सकता है ये ज्यादती आपके स्पाउस की तरफ से हो सकता है ये ज्यादती बाकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से हो, लेकिन ज्यादती तो हुई है आपके साथ। और आपने क्या सोचा, जैसे मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कहा है ज्यादती मेरे साथ ही हो रही है ना, कोई बात नहीं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन आप मुझे सच बताइए, ये जो डेविल एनर्जी है जो आपको तंग करती है, ये चाहे आपके स्पाउस हैं या आपके इन लॉज हैं या आपके अपनी फैमिली मेंबर्स है, पेरेंट्स है, कोई भी है, कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी स्पाउस ही है, लेकिन हाँ फैमिली लाइफ है, इसमें पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ कोर्स इसमें नहीं मैटर करेंगे, ये सिर्फ रिश्तेदारी की ही बात हो रही है। तो आपके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है जिसको आपने बर्दाश्त किया, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस हद तक कि आप बैठ के रोए हैं और खुद को कोसा भी है। जब इंसान खुद को कोसता है ना कि मैं कुछ कुछ क्यों नहीं कर पा रहा इस सिचुएशन में, मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही, तो अपने ऊपर भी वो बद्दुआ हम लगा रहे हैं। जो बद्दुआ हम दूसरों को देते हैं, कभी कभी ऐसी बद्दुआ हम खुद को भी देते हैं। जब खुद को कोसते हैं कि मैं लड़ क्यों नहीं पा रहा, मैं लड़ क्यों नहीं पा रही, मैं तो अच्छा रहा हूं, मैंने सब सही किया है, गलती तो सामने वाले की है, गलती तो इन्होंने की है, मैं तो अच्छा हूं, ये सोच सोचकर आपने खुद के साथ ज्यादती की है। अच्छे बने रहने के चक्कर में कोई आपको गलत ना कहे, लोग क्या कहेंगे, अगर आप खुद के लिए कोई स्टैंड लेंगे, इस टेंशन में भी आपने कई बार स्टैंड नहीं लिया। अच्छा, स्टैंड आपने नहीं लिया, आपने अपने लिए कोई कदम नहीं उठाया ठोस, आपने गलत लोगों को गलत नहीं कहा, और फिर किया कि आपने सारी जो शिकायतें ऊपर वाले से की कि गलती उसकी है, अगर हिम्मत है तो जरूर कमेंट में लिखिए कि आपने ऐसा किया है।
आपने ऊपर वाले को गलत साबित किया। आपने कहा है तुमने मेरी भक्ति का मुझे मोल नहीं दिया, मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया पर तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आपने थैंकलेसनेस दिखाई है ऊपर वाले को। अपने लिए स्टैंड ना लेकर गलत लोगों को बर्दाश्त करके उनकी ज्यादती को ना रोक के आपने खुद के साथ सबसे बड़ा गुनाह किया और फिर उसका दोष भी ऊपर वाले को। हाँ, जहां तक आपने खुद को दिया आपने सही किया, लेकिन जब आपने ऊपर वाले को दिया तो गुनाह की सजा बनती ही है। और सजा आपको किस तरह से मिल रही है, आज आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार आपको अपनी जो काबिलियत है उस पर भरोसा नहीं रहता, ये गुनाह की ही सजा होती है। आपको खुद पे भरोसा नहीं रहता, आपसे कोई ठोस कदम उठाया नहीं जाता, आप खुद के लिए कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे, आप बस लोगों के जो आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे, कोई ऐसे रिश्तेदार होंगे जिसके सामने आप दो पल रो लेते हैं, लेकिन फिर आपको जितना भी कोई समझाए, आपके लिए जितना भी कोई हार्ड वर्क करे, आपके ऊपर मेहनत करे, आप वो सारी मेहनत को बर्डन में फिर से बदल देते हैं, वो सारी मेहनत को निगेट कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उस सिचुएशन में फिर से जाते हैं आपका सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जो मोटिवेशन आपको दूसरे लोग देते हैं आपको इस गर्त में से निकालने के लिए, आपने उनके प्रति भी एक गुनाह किया है। वो अपना वक्त आपको देते हैं, आपको समझाते हैं, आपके लिए कितनी ज्यादा आपको सलाह देते हैं, अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं आपके पीछे, लेकिन आप क्या करते हैं, जब तक उनकी बातें सुनते हैं आपको लगता है आप दुनिया को बदल देंगे, लेकिन जैसे आप उस एनवायरमेंट में फिर से जाते हैं आप वहां के वहां हैं। तो ज्यादती जिन्होंने की है आपके साथ वो तो गुनहगार है ही, उनको तो उनकी सजा मिलनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ज्यादती के सामने आपने आवाज ना उठा के चुप रह के उनको बढ़ावा दिया है और फिर कोसा है दूसरों को, खुद को भी और ऊपर वाले को भी और शायद कुछ रिश्तेदारों को भी, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए लड़ेंगे, वो आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, वो आपके लिए तभी स्टैंड लेंगे जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे। आपने अगर चुप्पी साध ली है, आप कुछ कहना नहीं चाहते, लोग समझ जाते हैं, ऐसे में अगर वो आपके लिए कुछ कहेंगे भी, इनसे लड़ेंगे भी जो लोग आपको परेशान करते हैं, आप शायद मुकर भी सकते हैं। ये आपने अपनी इमेज क्रिएट कर ली है खुद के लिए स्टैंड ना लेकर। सबसे बड़ा गुनाह आपने यही किया है कि अपने लिए आवाज नहीं उठाई, ऊपर वाले पे शक किया, अच्छे दोस्तों पे शक किया जिन्होंने आपको सही सलाहें दी थी, आपने उन सलाहों पर शक किया और इसलिए आपको सजा मिल रही है कि आप परेशानी में अपने दिन बिता रहे हैं। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण यही है जो रीडिंग में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं। जो प्रॉब्लम है, जो आपको शिकायत है, उस शिकायत के खिलाफ स्टैंड लीजिए। सबसे पहले जो दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपकी मदद की है, आपको सलाह दी है, उस सलाह पर कोई एक्शन लीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आप देखते हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे एक्शन के कार्ड है, आपको एक्शन लेना है। इतनी मेहनत जिन्होंने आपके पीछे खर्च की है, आपके पीछे कितना वक्त दिया है, आपको समझाया है, उस समझ से कुछ तो कीजिए। ऊपर वाले पे भरोसा मत टूटने देना। ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये यही चाहते हैं कि आपका ऊपर वाले से भरोसा टूट जाए, अकेले पड़ जाए। कई बार तो कई लोग सिर्फ ऊपर वाले पे जो उनको भरोसा है ना, उस बलबूते पे क्या कुछ नहीं कर जाते। तो सबसे पहले आप अपना भरोसा ऊपर वाले पे रखिए, अपना डिटर्मिनेशन डिवोशन कायम रखिए। ऐसा मत सोचिए मैं इसलिए भरोसा रख रहा हूं कि मुझे कोई रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप इसलिए भरोसा रख रहे हैं ऊपर वाले पे कि आपको अच्छा लगता है उसका साथ, आपको अच्छी लगती है उसकी जो छांव है आपके सिर पर, आपको इसलिए भरोसा रखना है, बाकी सब तो अपने आप होने ही लगेगा। ये जो डेविल एनर्जी है आपकी फैमिली में, ये जो लोग हैं जो आपको तंग करते हैं, या आपके स्पाउस हैं, या पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, धीरे धीरे ये आपसे डरेंगे जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, काफी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे जो आपके लिए स्टैंड लेना पसंद करेंगे। पहले आप उनको तो भरोसा दिलाइए कि अगर वो आपके लिए स्टैंड लेंगे तो आप उनका साथ देंगे। कई बार क्या होता है, हम चाहते दूसरे इन्वॉल्वमेंट ले आपकी प्रॉब्लम में, लेकिन जैसे ही वो इन्वॉल्वमेंट लेते हैं आप उनको कह देते हैं ये मेरे घर का मामला है, आप दूर हो जाओ। आपने बहुत बार डेफिनेटली ये किया है जिसकी वजह से लोग आपका साथ देने से भी घबराते हैं। तो आपको इसका निवारण बस यही है कि सबसे पहली आवाज आपकी ही उठनी चाहिए अपने खिलाफ ज्यादती जो हो रही है उसके लिए। दूसरे अपने आप आपके लिए जुड़ेंगे। ऊपर वाले पे जो आपका भरोसा है उसको बिल्कुल टूटने मत देना। वर्ल्ड कार्ड और जजमेंट कार्ड आपकी रीडिंग में आ गया है, तो आपको
इंसाफ तो मिलना ही है आपको और उसको भी जो आपके खिलाफ गलत कर रहे हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को इतना मिजरेबल बनाया है कि लोग आपसे दूर होने लगे हैं। इन्होंने आपका शायद माइंडसेट ही ऐसा बना दिया है, आपको इतना डरा दिया है, इतना डिप्रेस कर दिया है कि आपको लगता है इनकी ज्यादती को बर्दाश्त करना ही अकलमंदी है, जबकि वो अकलमंदी नहीं है। आपके लिए क्लियर कट मैसेज है, फर्स्ट स्टैंड यू हैव टू टेक फॉर योर सेल्फ, अदर्स विल फॉलो यू, दे विल हेल्प यू, दे विल स्टैंड बिहाइंड यू। और कुदरत तो खैर न्याय देना चाहती ही है आपको, लेकिन आपको एक सबक सिखाया जा रहा है कि जरूरी नहीं है जब औरों के साथ गुनाह हो और ज्यादती हो तब आप छाती तान कर खड़े हो जाते हैं ये कह के कि मैं गुनाह के खिलाफ लड़ूंगा या लड़ूंगी, और जब खुद के साथ हो आप चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, ये सजा आपको इसीलिए मिल रही है कि आप इस बात को समझ सके। इसमें आपका कोई आपसे कोई कुदरत बदला ले रही है, आपको तंग करना चाहती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस आपको ये बताना चाहती है, जो लोगों ने आपके पीछे मेहनत की है, आपका जो बर्डन शेयर किया है, आपको जो हिदायत दी है, सलाह दी है, उसको अमल में लाइए। ये नहीं सुनकर आप आए घर और फिर सब कुछ भूल के फिर वही लाइफ शुरू हो गई जहां लोग आपको तंग कर रहे हैं और आप बहुत ही अच्छे और महान बनकर उस बात को सह रहे हैं। इस चीज को अब आप रोक दें, ये आपके लिए रीडिंग में हिदायत है, आपके लिए ये मैसेज है। आइए देखते हैं इसके अलावा यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, जो आपको इस रीडिंग के लिए भी हेल्पफुल होगा। दे वॉन्ट योर ब्यूटी माई गॉड। कई लोग आपको क्यों डिप्रेस करते हैं या तंग करते हैं, आपकी हेल्थ को, आपकी खूबसूरती को खत्म करने के लिए। तो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपकी ब्यूटी चाहते हैं, आपकी हेल्थ चाहते हैं, आपको डिप्रेस करके खुद को फीड कर रहे हैं। तभी तो डेविल कार्ड आया था ना, आपको याद है ना, इसमें डेविल कार्ड जो आया था, ये लोग चाहते हैं कि ये आपकी ब्यूटी पे, आपकी हेल्थ पे खुद को फीड कर सके। तो आपको इनके खिलाफ लड़ना है, आप थोड़ा भी लेकिन लड़े जरूर। आप जब लड़ेंगे ये अपने आप कमजोर पड़ने लग जाएंगे। तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। हाइड्स रियलिटीज फ्रॉम यू। आपके आसपास के लोग आपसे कुछ सच्चाइयां छिपाते हैं, आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे आप मिसगाइड हो, गाइड नहीं होते, आप मिसगाइड होते हैं, उतना ही आपको बताते हैं और सच्चाई को आपसे छिपाते हैं ताकि आप कमजोर बने रहिए। आपको केयरफुल रहना है ऐसे लोगों से, आपको इनके खिलाफ आवाज उठानी है और खुद का स्टैंड लेना है खुद के लिए। वेरी इगोइस्टिक फादर या फादर इन लॉ या ऐसा कोई पर्सन जिसको आप फादर की जगह देखते हैं, बहुत ही इगोइस्टिक है और हो सकता है आपकी परेशानी की वजह भी यही कोई इंसान हो। यू हैव अ रॉयल ब्लड। आपका जो ब्लड है, आपकी जो डीएनए है, उसमें रॉयल्टी है जिसको ये लोग ले लेना चाहते हैं। आपको बीमार करके, साइकोलॉजिकली परेशान करके आपकी रॉयल्टी को, आपकी ब्यूटी ब्यूटी को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। ऊपर वाला तो आपकी मदद करना चाहता है, यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहती है, लेकिन आप खुद की मदद नहीं कर रहे, इसके लिए आपको सजा मिल रही है। तो आपको पता चले कि क्या करना है। डोंट बिलीव पीपल इजिली, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। मैं शायद आपको बताना भूल गई कि आप बहुत इजीली बुरे लोगों पे एतबार कर लेते हैं, वो जरा आपके साथ अच्छा बनते हैं, मीठा बनते हैं, आपको तंग करने के बाद थोड़ा आपको मरहम लगा देते हैं, तो आप फिर से उनको, उन पे विश्वास करने लग जाते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपकी गलती ये नहीं कि आप गलत हैं, आप गलत नहीं, गलत लोगों पे भरोसा करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, जो कि बहुत क्लियरली जो मैसेज मैं आपको शायद उस वक्त कार्ड देख के नहीं बता पाई वो यहां पर मुझे मिल गया है। आपकी दुआ कबूल होने वाली है, आप जो दुआएं करते हैं ना वो कबूल हो जाएगी, पर इस वक्त आपकी माइंड की स्टेट ऐसी है, आप खुद को कोसते हैं, औरों को कोसते हैं, इसलिए वही चीजें फलित हो रही हैं। आपको खुद के लिए दुआएं करनी चाहिए, अपने भले के लिए ऊपर वाले से मदद मांगनी है, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना है जो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, और खुद के लिए ले ताकि वो भी हिम्मत करें, और आपकी जितनी भी दुआएं हैं वो सब कबूल हो ही जाएंगी, आज नहीं तो कल।
बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। दे थिंक यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप बहुत घमंडी हैं, और ये साबित करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप घमंडी नहीं है, बहुत ज्यादा झुक जाते हैं, जो कि गलत है। और जब आप झुकते हैं ये आपको पायदान बना देते हैं। तो आपको अपने ऊपर गौरव करना है। अगर ये आपको ये महसूस कराते हैं कि आप घमंडी हैं, उनको कराने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। ये ऐसा कर करके आपको दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों में आपको नहीं आना है। आपके दुश्मन की नींदें उड़ चुकी हैं। हो सकता है आपके दुश्मन को यह आभास होने लगा है कि जो ज्यादती उन्होंने आपके साथ की है, अब आप उसके लिए खड़े हो चुके हैं या खड़े होने वाले हैं, और ये सोच सोचकर उसकी नींदें उड़ने लगी हैं, और बिल्कुल सही हो रहा है। आपको ऐसा ही कुछ करना है कि इनकी नींदें हराम हो जाए। आस्क देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप में वेरी नाइस, आप में बर्डन का कार्ड भी आया था, मेरा टेन ऑफ वॉन्ड्स आया था। आप कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां, कुछ ज्यादा ही इमोशनल बर्डन अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। अब इसे बांटिए, इस सब बर्डन को उन पर डालिए जो आपको दे रहे हैं। रिटर्न इट टू द सेंडर, रिटर्न इट टू द गिवर, डोंट बिकम द रिसीवर ऑफ बर्डन। ये जितने भी फालतू की जिम्मेदारियां और बोझ आप पर डाला गया है, इसको लौटाओ, जो आपको ये बोझ दे रहे हैं उन्हें वापस करो। दीज पीपल शो दैट दे डिसलाइक यू बट स्टिल रिस्पेक्ट यू अ लॉट। ऐसे कई लोग हैं जो आपसे इस वक्त शायद गुस्सा है किसी बात को लेकर, आपसे इस वक्त नापसंदगी करते हैं आपकी किसी आदत को लेकर, लेकिन फिर भी उनके दिल में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत है, रिस्पेक्ट है। आपके जो सेक्रीफाइसेस है वो वेस्ट नहीं हो रहे। कई लोग इसे देखकर आपकी इज्जत भी करते हैं, बस चाहते हैं अब आप कुछ करें, अपने लिए कोई स्टैंड जरूर ले। मैन्यूपुलेटिव मदर या मदर इन लॉ, या ऐसे कई लेडी जिसको आप मदर की जगह रखते हैं, फादर भी आ चुका है अब मदर भी आई है, तो हो सकता है सास ससुर हो, माँ बाप हो, बड़े भाई बहन हो, ताया ताई हो, चाचा चाची हो, कोई भी हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपका गलत फायदा उठाते हैं, आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इनके चुंगल में से अब आपको बाहर निकलना है। वेरी पॉलिटिकल नेचर। आपके आसपास कोई ऐसा है जो बहुत ही पॉलिटिकल नेचर रखता है, आपको समझ ही नहीं आता ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं, लेकिन आपको ये सारी रीडिंग देखने के बाद बहुत कुछ समझ आ गया है, और अब आपको अपने लिए स्टैंड भी लेना है। एक दो मैसेजेस और लेकर। वेरी लॉयल सिस्टर। आपकी कोई सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ है, या सिस्टर जैसी कोई दोस्त है, कोई भी है जो आपसे बहुत ही प्यार करती है और आपके बहुत वफादार है। आप अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करते भी होंगे, और अगर अभी तक नहीं की है तो जरूर कीजिए, या आपकी कोई ना कोई मदद जरूर करेगी। मिक्स अप विद योर लव्ड वंस। आपने क्या किया है, जो गलत लोग हैं उनके उनके साथ लड़ने झुड़ने में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि जो आपको प्यार करते हैं, जैसे कि मैंने कहा वो आपको अच्छी अच्छी सलाहें देते हैं, लेकिन आप उनको नहीं सुनते, नहीं मानते। इन लोगों के सामने आते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप इन लोगों की बात सुनिए और उस पर अमल कीजिए, ताकि ये लोग आपके आसपास हमेशा बने रहे। मिक्स अप विद योर लव्ड वंस। एक दो कार्ड्स और एंड देन वी फिनिश अप द रीडिंग। आपसे लड़ाई करना चाहते हैं बट आप खुद पर कंट्रोल रखें। कोई है जो आपको उकसा रहे हैं लड़ने के लिए। जब कई बार आप ये सिचुएशन को समझकर खुद को इकट्ठा करते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं, तो ये आपकी कंट्रोल पे हमला करते हैं, ताकि आप लड़े, आपके मुंह से ऐसी बातें निकले जिसका ये गलत फायदा उठाएं। लेकिन आपको इनसे लड़ना नहीं है, अपने आपको कंट्रोल में रखना है, इनको सबक सिखाना है। इनको इनसे लड़ना नहीं है, लड़ना सबक सिखाना नहीं होता, सबक सिखाना होता है खुद के लिए स्टैंड लेना, जो कि आपको अब करना है। बुरे लोग जल्दी ही आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं डिस्टेंस में दूर हो जाए, इमोशनली भी आपसे दूर हो जाएंगे जब आप अपने लिए कोई स्टैंड लेंगे। जब खुद के साथ की गई ज्यादतियों के खिलाफ आप बोलेंगे, तो बुरे लोग आपकी लाइफ से जल्द ही दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आज का एफर्मेशन है, आई हैव ऑल द फेथ इन गुडनेस, आई हैव ऑल द फेथ इन गॉड। मुझे अच्छाई पर और अपने रब पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जजमेंट वही देने वाले हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, इसीलिए एक और एफर्मेशन आप लिख सकते हैं, आज से मैं खुद के लिए
लड़ूंगा या लड़ूंगी, आई विल फाइट फॉर माई राइट्स। आप ये भी लिख सकते हैं एफर्मेशन में, कुछ ना समझ आए तो आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर एक छोटा सा यस, और आप देखेंगे कैसे पूरा माहौल आपके फेवर में बनना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए किस तरह की ज्यादती आप फेस कर रहे हैं, कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, और अब आप किस तरह से इनको निपटेंगे। डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कीजिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।